तो बच्चों, क्या हाल है आपके? SVP इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। तो सॉरी, थोड़ा वॉइस में दिक्कत है बेटा आज। तो बेटा, न्यूज़ ये है जो कि आप तक पहुंच भी चुकी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीट में या जेई में या नेट के एग्ज़ाम में या बेटा जो भी एग्ज़ाम NTA कंडक्ट करवाता है उसके लिए भारत के लोगों से, स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से, टीचर से, सबसे सजेशन मांगा है। ठीक, एक सेकेंड। तो बेटा, वो सजेशन जो मांगा गया है ना, उसको लेकर बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं। तो मुझे लगा था कि शायद मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए, बच्चों को सही जानकारी पहुंच चुकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब ज़रा सबको ये लगा कि उसको नीट से जोड़ कर देख लिया कि नीट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको नीट से जोड़ कर देखा गया। लेकिन ये बेटा रिफॉर्म्स जो हैं, वो रिफॉर्म का क्या मतलब है? रिफॉर्म का मतलब है कि एग्ज़ाम में किस तरीके की चेंजेस आप चाहते हैं, क्या बदलाव आप चाहते हैं अगले साल से। इस साल जो हो गया वो हो गया, अपकमिंग एग्ज़ाम्स कह लो, अपकमिंग एग्ज़ाम्स कह लो, अगले साल नहीं कह सकते, तो कि अगले एग्ज़ाम्स जो होंगे वो कैसे होंगे। एक सेकेंड बेटा, गेट बंद कर दे। यस, तो बेटा उन एग्ज़ाम्स में आप क्या चेंज चाहते हैं, सिर्फ ये वीडियो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और एग्जैक्टली बच्चे उस चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाए। ठीक, अब वो समझ इसलिए नहीं पाए क्योंकि समझाया ठीक से नहीं गया है ना। अब गवर्नमेंट ने जो ये टाइम रखा है, 27 तारीख को ये आ गया था आपका ये रिफॉर्म वाला ऑप्शन कि आप अपने सजेशंस अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वैसे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने लिंक डाल दिया था कल ही। और 7 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से एक दिन पहले तक का टाइम है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं नीट वाले कि वो लगातार वहाँ सजेशन बॉक्स में जा रहे हैं और सजेशंस दे रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए। ठीक, तो एक बात समझिए, इस तरह की चीज़ें एंटरटेन नहीं होंगी। अब तक क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स रहीं, उन प्रॉब्लम्स पर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा क्योंकि मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। तो जो सजेशन बॉक्स है वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए है। तो अब आने वाले एग्ज़ाम्स में, मतलब ये तो बात पक्की है कि NTA ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाला है। अगर NTA को ध्वस्त कर सकते थे तो वो होने नहीं वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों आपसे ये बात पूछती कि NTA में आप क्या बदलाव चाहते हैं अगली बार से? तो इसका क्या मतलब हुआ कि NTA ही एग्ज़ाम करवाने वाला है, ये तो पक्का है। लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज होंगे फॉर श्योर। अब एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड जा सकता है, ऑफलाइन ही रहेगा तो शायद कुछ और तरह के चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी एक ट्वीट डाला और इस ट्वीट के अंदर भी बताया कि एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसरो के चीफ हैं जो पहले थे कभी, एम्स के डीन हैं और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उसके अंदर, जो कि नीट में रिफॉर्म्स लाने के लिए, NTA पर नज़र रखने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए और उसके डेटा को सिक्योर करने के लिए काम करने वाली हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सजेशंस आपसे मांगे हैं, तो सिर्फ जो आप सजेशन देंगे जिनको सुना जाएगा वो ये हैं कि अगले साल से आप क्या चाहते हैं कि क्या हो और क्या ना हो। तो अगर आप एग्ज़ाम को ऑनलाइन चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं, आप ये चाहते हैं कि NTA एग्ज़ाम को कंडक्ट ना कराए आप वो डाल सकते हैं, या जो भी सजेशन XYZ आपके दिमाग में है। लेकिन ये समझ लीजिए, इसके अंदर ये डाल देना कि नीट दोबारा हो जाना चाहिए और इस बार नीट को रद्द कर दीजिए, री इवेल्यूएट कर लीजिए मार्क्स को, इन सब चीज़ों पर कोई सुनवाई होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि इस पोर्टल को ओपन करने का मकसद ये है ही नहीं। तो आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे बच्चों कि आपको इस पोर्टल पर जाकर नेक्स्ट ईयर से, और मैं तो चाहता हूँ कि आपका एडमिशन इसी बार हो जाए, और जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा वो क्या चाहते हैं कि अगली बार ये ना हो, ये चीज़ें ना हो, एग्ज़ाम सेंटर पर होने वाली चीज़ें उनके बारे में आप सजेशन डाल सकते हैं,
टाइम वेस्टेज होने वाली चीज़ों पर सजेशन डाल सकते हैं, क्लासरूम में होने वाली सुविधाओं असुविधाओं के लिए आप उसमें सजेशन डाल सकते हैं, और एग्ज़ाम के पैटर्न पर, टाइम पर, और जो भी आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी तो बेटरमेंट आ जाएगा, आप वो डाल सकते हैं। कुछ और सजेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट को आईआईटी वाले बच्चे, तो वो भी नेट वाले बच्चे, यूजीसी नेट वाले बच्चे, नीट पीजी वाले बच्चे, तो वो सारे लोग, ये सजेशन सबके लिए ओपन है, खाली नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, तो सिर्फ इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप जो ये रिफॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन, जो एनटीए का जो प्रोसेस है, इसके लिए जो सजेशन मांगे हैं, इसका मेन एम क्या है, और आप किस तरह की सजेशन देंगे तो कुछ फ़ायदा होगा, और जो मैक्सिमम सजेशंस एक तरीके की होंगी उन सजेशंस पर काम किया जाएगा, रेंडम अलग अलग सजेशंस पर काम नहीं होगा, ये भी श्योरिटी है। मतलब डेमोक्रेटिकल प्रोसेस की बात करो तो जिस चीज़ को ज़्यादा वोट्स होंगे वही जीतता है आगे, ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आई थिंक ये आपका एक स्ट्रगल, जो एक परेशानी को ये कम करेगा। अगर कुछ और सुझाव या कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है और आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। कमेंट्स के जवाब आपको ज़रूर दिए जाएंगे, शायद कुछ लेट हो जाए लेकिन रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जल्दी जवाब चाहते हैं तो सोशल मीडिया जो हमारे हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर लीजिए, उनसे जुड़ जाइए। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन के अंदर उनके लिंक्स हैं, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम से आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो द विक्की सिंह, TheVikiSingh, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है। और अगर आप अपने सवालों के जवाब और भी जल्दी चाहते हैं तो फ्रिक्वेंटली जो हम लाइव सेशंस करते हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, और उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि नोटिफिकेशन लाइव का आपसे छूट ना जाए, ठीक है बच्चों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।